अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैं आ गई हूँ क्लिनिंग पे, जो कि मुझे लग रहा था कि बीपी हाई है। अगर अभी उन्होंने चेक किया, जहाँ पे क्लिनिंग पे आई हूँ, ठीक है, तो बीपी मेरा हाई था और उसके लिए एक टैबलेट दी है जिससे वो थोड़ा बेहतर होगा। और चेकअप मुझे एक दो और भी चेकअप करवाने हैं, मुझे अल्ट्रासाउंड भी करवानी थी, क्योंकि मेरी कुछ और प्रॉब्लम भी शायद मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा उसके लिए मैं वो भी करवा लूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर टैबलेट लेके अभी तुम वेट करो और पानी वगैरह पियो, तो उसके बाद जो है ना पानी पी लो एक दो बोतलें, और उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो फिर वो भी चेक करवाती हूँ। जो प्रॉब्लम मेरी समझ में आ रही है, वो अगर तो कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं यहाँ पे आप सबको बताऊँगी कि वो किस सिलसिले में मैंने अल्ट्रासाउंड कराई थी, ठीक है, वो भी बताऊँगी। और अभी जो बीपी का इशू वो हाई था, और असल में स्वेलिंग के लिए आई हूँ, जो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बॉडी पे हुई हुई है, तो उसका चेकअप करवाने आई थी। लेकिन साथ फिर जब डॉक्टर पे आप जाते हो तो एक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल ही आती हैं कि मतलब स्वेलिंग क्यों है, बीपी क्यों हाई है, वो सब चीज़ों को देखते हुए फिर अभी जो उन्होंने कहा है कि थोड़ा वेट करो। अभी मैं कर रही हूँ वेट। असल भाई उधर गाड़ी लगा के खड़ा हुआ, तो उस तरफ रोशनी नज़र नहीं आएगा। बस एक बार बीपी वगैरह मैं चेक करवाई हूँ, लेकिन अभी अल्ट्रासाउंड बाकी है, उसके बाद फाइनल जो है ना वो बताएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो अच्छा क्लिनिंग से मैं आ गई हूँ वापस घर, नहीं मैं अली भाई की तरफ आ गई हूँ, इधर मुझे को काम भी था तो इसलिए, और क्लिनिक से सीधी मैं इधर ही आई हूँ। मेडिसिन मैंने अभी लेनी है, और जो उन्होंने मुझे लिख के दिया और जो कुछ बताया वो आप सबको दिखाती और बताती और समझाती हूँ, ठीक है। चलो बैक कैमरा करके। अच्छा ये जो है ना, ये तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड तीन की हैं, मतलब ये बखियाँ जो होती हैं ना, ये साइड मतलब बखियाँ पसलियाँ समझ गए ना, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम का पहले इशू था मुझे, तो उसके लिए उन्होंने अल्ट्रासाउंड की, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ बेहतर है। ये जो है ना, इसमें उन्होंने यहाँ पे मुझे ये कुछ ये टेस्ट लिख के दिए हैं, ठीक है, ये वाले ये मैंने करवाने हैं, ठीक है। और क्या दिया है मुझे साथ में, ओ एक पेपर उड़ गया, वो पकड़ना नैना, हवा इतनी तेज़ थी। अच्छा ये भी उन्होंने अपना ही कुछ जो भी कुछ लिख के दिया है ना, असल वो तो वो डाइट प्लान का है, ये वाला जो पेपर है ना, इसमें उन्होंने मुझे ना वो डाइट प्लान लिख के दिया है कि मुझे क्या कुछ खाना पीना है। लेकिन असल जो कहानी है ना वो टेस्टों के बाद, चलो 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 पलटी की हवा काफ़ी तेज़ लग रही, असल जो सिस्टम है ये जो टेस्ट होंगे ना इसके बाद, क्योंकि टेस्ट हो जाएंगे उसमें पता चल जाएगा कि शुगर का कोई प्रॉब्लम है, कोई किडनी का प्रॉब्लम है, स्वेलिंग क्यों है, ब्लड प्रेशर का, ठीक है। एक उन्होंने बताया कि अक्सर मुझे खांसी आती रहती है और रेशा अंदर दिमाग से गिरता है ना, तो हम तो पंजाबी में उसको केरा भी बोलते हैं, रेशा भी बोलते हैं, तो उसका भी उन्होंने टेस्ट मुझे बताया, ठीक है, वो भी होगा, किडनी का भी होगा, और ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये चीज़ें, ठीक है, और कौन सा था, शुगर का, हाँ शुगर का था, और बीपी का, ये सारे उन्होंने कहा कि प्रॉपर जो है इनकी रिपोर्ट आए उसके बाद जो है ना मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे मेडिसिन कौन सी स्टार्ट करें, तो वैसे टेम्परेरी तो नहीं, खैर बीपी की तो खैर उन्होंने मुझे दे दी, उन्होंने कहा ये डेली खाओ, और उन्होंने कहा कि डेली आपने बीपी चेक करवाना है और अपना एक चार्ट 1 वीक का या ऐसे 10 डे का बनाएं कि मतलब कितना बीपी नॉर्मल आ रहा है, हाई आ रहा है, लो आ रहा है, मतलब डेली उसको चेक करवाएं, तो उसके मुताबिक वो भी देखेंगे। मैंने कहा चलें वो भी मैं करवाती हूँ, और ये टेस्ट जो हैं ये अब मैं देखती हूँ, कल मुझे टाइम मिल जाए तो मतलब रात को जो खा के सोना सुबह खाली पेट जाके करवाने हैं, तो अभी मेरा कराची का भी प्लान है, कराची भी मैं जा रही हूँ, तो चलें रिपोर्टें ये मैं दे जाऊँगी टेस्ट होने के लिए, वापसी आऊँगी तो रिपोर्टें मिल जाएंगी। लेकिन मैं चाह रही थी कि उससे पहले मुझे स्वेलिंग की मेडिसिन मिल जाए, ताकि स्वेलिंग थोड़ी सी कम हो जाए, बहुत ज़्यादा है पैरों के ऊपर, ठीक है, तो ताकि मेरा सफ़र थोड़ा इजी हो जाएगा। बाई एयर भी करना है तो फिर भी जाहिर है 2 घंटे की फ़्लाइट है, एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले जाना होता है,
फिर थोड़ा बहुत जाहिर है चलना फिरना पड़ता है, फिर भी वो 3-4 घंटे की थकावट तो हो ही जाती है। लेकिन उसने कहा है कि ये बीपी थोड़ा सा बराबर होगा तो स्वेलिंग जो है ना कम हो जाएगी। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं अभी जाके बीपी की टैबलेट तो लेती हूँ, अभी मैं इधर से मार को भेजती हूँ, उसके मैं दे के मंगवाती हूँ। अच्छा एक उन्होंने मुझे और दिए मेडिसन कैप्सूल, जो कि उन्होंने कहा है कि ये आप कम से कम 3 मंथ्स खाओ, और खाने के दरमियान में जब मैं खाना खाऊंगी, ब्रेकफास्ट नहीं जब खाना खाऊंगी, उस टाइम जब मैं हाफ खाना खा चुकी होंगी तो उसके दरमियान वो कैप्सूल मैंने खाना है। तो उन्होंने कहा कि 3 महीने खाओ, तो 3 महीने में अगर कोई 2-4-5 किलो भी वज़न कम होता है तो ये बहुत है तुम्हारे लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट, और वेट मैं बता दूँ आप लोगों को मेरा कितना हुआ है, 150 किलो नैना मेरा वज़न, 150 किलो, यकीन जानो 3-4 महीने के अंदर मेरा 25 किलो वज़न बढ़ गया। मेरा 125 था, 125 मेरा वज़न था, आज उन्होंने किया तो 150 था। मैं तो हैरान, मैं परेशान हो गई, मैं तो गश खा के उतर डिगन लगी सर। मैंने कहा इतना मेरा वज़न बढ़ गया, यकीन जानो 150 बहुत ज़्यादा वज़न है, बहुत ज़्यादा। तो बस मुझे तो समझ ही नहीं आई, आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है, ठीक है अभी इस पर मैं कंट्रोल करती हूँ वेट के ऊपर भी, और जो डाइट प्लान दिया वो भी मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अब जो होटलों के खाने ये भी ज़रा मैं इनको करूँ बंद, भाई सेहत है तो सब कुछ, अगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। अभी कमर में दर्द है, घोटों में दर्द है, पहले काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। तो वो डाइट साथ स्टार्ट करती हूँ ना तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो चलें जी मिलते हैं फिर आपको, ठीक है अभी तो मैं इधर ही हूँ। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी, ठीक है, जो वैसे उन्होंने कहा था अगर घर में मशीन है तो बीपी चेक कर लेना, मेरे पास तो नहीं है, नैना के पास है। अभी नैना जो है ना मेरा बीपी चेक करने लगी है कि क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, ठीक है अभी ये चेक करेगी। वो बाजू काफ़ी मोटा है ना, यहाँ पे लगाएगी, ऐसे ही पूरा 80 है, ठीक है अभी ये चेक करेगी कि कितना है। अब तो मुझे खुद को भी महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे सर की दर्द कम हो गई है, अब मेरी इसकी स्वेलिंग कम हो गई है कि शायद कम हो गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अभी चेक करती है ना तो देखते हैं कि उसमें कितना आता है। पहले वहाँ पे 145 और 110 आया था, यानी 145 और 110 आया था। तो वो कह रही थी हाई है थोड़ा सा, ये क्या है, सही तरह लाना पड़ेगा बस वो इतना मोटा है ठीक है कि नहीं, सही तरह लगेगा तो पहनना, उसका कफ छोटा है ना कफ छोटा है, मेरा बाजू नहीं मोटा। अच्छा वैसे पहले मैंने बता दिया कि मेरा बाजू मोटा है, और अभी मैं बता रही हूँ कि इसका कफ भी छोटा है, ठीक है काफ़ी छोटा है। लेकिन नैना लगा रही है, अब देखो क्या होता है, कामयाब हो ही जाए, ठीक है। तो चेक करेंगे साथ, आपको दिखाएंगे भी कि क्या सीन हुआ है, कोई काम कम हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी कार में ये देखिए, ये देखिए बाजू दबना शुरू हो गया, और अभी छोड़ेगी नैना, फिर इधर व्यूअर्स को भी दिखाना कि उसमें क्या आता है ना, ठीक है। अभी मुझे खुद को भी महसूस हो रहा है कि अभी कम हो गया, ठीक है देखते हैं। 130 और 90 हुआ ये, ठीक है हाँ थोड़ा बेहतर है। अच्छा 130 और 90 उससे बेहतर है, यानी एक में से 20 काम हो गया और एक में से 15 काम हो गया, यानी थोड़ा फर्क पड़ गया जी जी, चलने सही है। क्योंकि अभी मुझे खुद को ये जगह भी मेरी दर्द कम हो गई है, ये जगह पहले सख्त दर्द थी यहाँ पे, अभी बेहतर है। तो व्यूअर्स मैं घर से निकल गई हूँ अपने टेस्ट करवाने के लिए, अभी मैं सो के ही उठी हूँ, जैसे ही उठी हूँ तो जा रही हूँ क्योंकि खाली पेट टेस्ट करवाना होता है, ठीक है अभी जो है ना जाते हैं तो वहाँ पर लेट देंगे और वो फिर जो भी रिपोर्टें आएंगी, फिर वहाँ पे नाड़े नहीं मिलेंगी अम्मी के बाजू की हर बार यही होता है, हर बार यही होता है, नाड़ बड़ी मुश्किल से मिलती है, वेन जिसमें से ब्लड निकालते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। अब तो मोटापा और बढ़ गया मेरा, ये ना पिया करो, मुझे एक कमेंट आया हुआ था, उसने कहा असद को मना करो इसे जिगर की बीमारी लगती है, ठीक है
और तुम अपनी शक्ल देखो दिन ब दिन, ये तुम स्टिंग पीते हो तो इससे देखो तेरा कलर कैसा हो गया। वह लाहौर का टूर लगा के आया हूँ, इतना फर्क दे पाएगा, इसलिए कलर हो गया। तो जाहिर है लाहौर के टूर से कुछ नहीं होता। मैं लाहौर का टूर लगा के, आप गाड़ियों में जाते हो मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं? मोटरसाइकिलों पे नहीं, आप इधर गाड़ी में ये स्टिंग ना पिया करो। मैं तुम्हें, मैं इससे पहले भी मना करती हूँ, ये अभी आप लोगों ने कॉमेंट्स, मैं इससे पहले, मुझे स्टिंग से बहुत एलर्जी, मैं इसे कहती हूँ ना पियो। लेकिन ये लड़का सुबह उठेगा सबसे पहले 502 स्टिंग लेनी है, स्टिंग लेनी, स्टिंग लेनी। मेरा नाश्ता इससे होता है? नाश्ता इससे होता है, ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है? मैं पहले भी आपको मना करती हूँ, तो आप इसको पीना छोड़ दो। अच्छी काम किधर कर दिए? पहले तो मैं दिन में 4-5 टाइम पीता रहता हूँ, ज्यादा ज्यादा एक ही ना पियो ना। ये तो ऐसे नशे जैसी लगाई हुई है तुमने, स्टिंग टिंग पीनी है तो उठ के चलना है, स्टिंग नहीं तो नहीं चलना, ठीक है? ये इसको पीना मेरा बेटा बंद करो, ये अच्छी चीज नहीं है सेहत के लिए, ठीक है? इससे अच्छा तुम वो जूस, नेस्ले का जूस लिया करो। ओके, वो पी लिया, वो 200 का मिलता है, तो 200 का पी लिया करो, इसको छोड़ दो। तो बस फिर मेरा खर्चा 200 एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जूस मिलेगा, खर्चा नहीं मिलेगा। हाँ। और जूस का पता है क्या, वो बहुत ज्यादा होता है, तो आधा मुझे दे दिया करो ना, गर्म हो जाता है, आधा मुझे दे दिया करो। ये मैं एक घूंट पीता हूँ सारा दिन निकलती है। नहीं इसको ना पिया करो, ये तो घूंट घूंट, वो नशे वाली बात है कि एक घूंट इसका नशा, पीते जाओ तो जीते जाओ, पीते जाओ। किधर गए? पूछो इससे, गियर ऑयल गाड़ी का चेक करवाना था कि किधर गए वाला के नहीं। चलो वापसी पे चेक कराते हैं, चलो फिर चले जी, मिलते हैं फिर वहाँ पहुँच के, देखते हैं वैन मिलती है कि नहीं। मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ये अल्फा लैब, अल्फा लैब पे मैं जाऊँगी, ये भी अच्छा टेस्ट करते हैं, यहाँ से करवाऊंगी अभी मैं टेस्ट। बन रही है। अच्छा हम पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। 5500 के जो ना उन्होंने बताया है टेस्ट, इसमें से जो 3.5 ले ना, 2 को शाम को देखेंगे, तो 2 से शाम को आएगा, शाम को आज ही टेस्ट भी मिल जाएंगे। बल्कि ये भी अच्छा है, मैंने भाई को कहा कि आज ही दें, ताकि मैं आगे मेडिसिन लूँ, और उसके बाद मैंने जाना भी है, सफ़र भी करना है, क्योंकि मेडिसिन मुझे कोई नहीं दी डॉक्टर ने, उसने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद आपको मेडिसिन देंगे, ये इशू क्या है, ठीक है? तो चल अभी निकालते हैं ब्लड, अभी ब्लड निकालेंगे, तो बस ये दुआ करें कि वेन मिल जाए, क्योंकि वेन नहीं जल्दी जल्दी नहीं, इधर से तो मिल जाती है। ये नज़र आ रही है, वो नज़र आती है, जब मिलेगी फिर की बात है, ठीक है? वेन नहीं हो गया लोग क्या कहते हैं, चिक रक्षा ही होगा जो मिलते ही नहीं है। ओह माय गॉड, बड़ी दर्द हुई, मिल गई, शुक्र करो। अच्छा मैं भला जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं उधर देखना, मैं कभी भी ना निकालूं, मैं वेन से ना हाथ की से तो कभी नहीं निकलूं। मैं जो ऑपरेशन हुआ था ना, मैं वो लगा था कलोला, मैंने वो भी बाजू में लगवाया, बड़ी हुई है, ठीक है? अभी कम से कम पता चलेगा ना कि क्या मतलब प्रॉब्लम है। इतने में नहीं है, असल जो प्रॉब्लम है वो मोटापा ही है। तो वो उसके लिए भी वो देंगे ना, अभी मुझे वो इससे कुछ नहीं होता। नहीं वो डॉक्टर कह रही कि उसके लिए भी तुम्हारी कोई ना, मेरे साथ चलो रनिंग करने रोज, एक महीने में देख, रनिंग की तो नहीं होती, कमर में दर्द होती है, आहिस्ता आहिस्ता होगी ना, एक दिन में तो मेरी टांगे में दर्द होती, दर्द बड़ी हुई है जी। तो व्यूअर्स वहाँ से ब्लड दे के हम लोग निकल गए, अब बस जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक ही मेडिसिन मिलेगी, ठीक है? तब तक तो तबीयत ख़राब ही है, क्योंकि वैसे उन्होंने बीपी की मुझे दी थी तो वो मैंने इस्तेमाल कर ली थी, वो शायद को नॉर्मल ही दी थी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। आप लोग मेरे फेस से जज कर सकते हैं, अभी तबीयत सेट नहीं है, स्वेलिंग भी नहीं ख़त्म हो रही, लेकिन स्वेलिंग का प्रॉपर जो है ना वो रिपोर्ट आने के बाद मेडिसिन देंगे। असल फिर अंदर की तरफ चलो, पहले मैं कुछ जूस वगैरह ले लूँ, उधर नहीं इधर चलो, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, फास्टिंग में ही आई थी, क्योंकि टेस्ट कहते हैं फास्टिंग में ही करवाने चाहिए, तो इसने भी नहीं किया, ये कह रहा है कि इसने कहीं आगे, नहीं मैं स्लो में करवाता हूं, स्लोली, इसने कहीं आगे जाके दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है? मैंने तो कहा मेरे साथ कर लो, कह रहा है नहीं। अभी मैं देखती हूँ कि ब्रेकफास्ट करूँ या ना करूँ, तो जूस तो मैं लूँगी एक, क्योंकि वैसे ही प्यास भी लगी हुई है, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है? मोटरसाइकिल पे भी
भाई गाड़ी जितनी फैमिली जो है ना कुछ लोग बैठा लेते हैं, मतलब तीन चार बच्चे, एक दो लेडीज, एक वो खुद भी, हमसे तो वो अच्छे हैं जो इतने सारे बैठा लेते थे इधर गाड़ी में, तो अम्मी ने पीछे बिठा के चलाई जाती है। तो इधर गाड़ी में पांच लोग बैठते हैं तो इनफ हो जाता है, और आगे कहते हैं ना जी ना बस बस बच्चा भी गोदी में नहीं बिठाना, तो अगले मोटरसाइकिलों पे इतने इतने बिठा के फिर रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं। अल्लाह पाक उनको भी गाड़ी दे जी जो मोटरसाइकिल पे इतने सारे बैठे हैं, ताकि वो सुकून से गाड़ी में बैठ के जाए। बड़े तेज लोग हैं, खुद गाड़ी लेते, खुद नहीं लेते। कुछ होते हैं गाड़ी खड़ी करके बाइक पे जाना पसंद करते हैं कि नहीं बाइक पे ही चले जाते हैं, ये साथ ही तो जाना है, तो बाहर रश होगा तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा। अच्छा कुछ ऐसा भी करते हैं ना, क्या कहना मेरे मामू देख लो छोटा है जो, वो पैसे हैं गाड़ी नहीं लेता, वो बाइक पे वो छह लोगों को बिठा के जा रहा हूँ, वो बाइक पे चार उसके बच्चे और दो वो खुद बाइक पे जा रहे होते हैं। बड़े लेते हैं कि मैं गड्डी लेनी है लवा, फिर कहता नहीं, हमसे पूछता रहता है कौन सी गाड़ी लूं, हम कहते हैं फलानी ले लो फलानी ले लो। नहीं मैंने उसको मना किया, मैंने कहा अभी तुम गाड़ी ना लो, तुम घर जो है ना उधर लो दूसरी साइड पे थोड़ा जाके, थोड़ा सा बड़ा हाँ, उसके बाद गाड़ी लेना, उसका गाड़ी छोटा है ना। तो मैंने उसको क्या है मशवरा दिया, मैंने कहा गाड़ी रहने दो, पहले तुम घर थोड़ा सा बड़ा करो अपना, उसके बाद जो है ना गाड़ी भाई बाद में लेना। चार बच्चे तो कहता चलो ठीक है, तो ये सही मशवरा मैंने दिया है ना कि गाड़ी ना लो, 10-15 लाख की नॉर्मल छोटी छोटी गाड़ी भी इतने की आती है, ठीक है। तो भाई तो मैंने उसको कहा कि 25-30 लाख का उसका अपना घर है, मैंने उसको कहा कि उसमें कोई 10-20 लाख और करके डाल, हाँ, तो 40-50 के करीब ना अपना दूसरी जगह पे थोड़ा सा बड़ा घर ले लो, ठीक है, क्योंकि जिस एरिया में उसने देखना वहाँ पे 40-50 लाख का 5 एक मरले का अच्छा घर मिल जाता है, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा घर होगा तो उसी का ही फायदा है। मैंने तो उसको सही मशवरा दिया, और मेरे जो भाई है ना वो मेरे मशवरे के बगैर नहीं चलते, और मैं उनको अच्छा मशवरा देती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि उनकी मिसिज कहे कि अपनी बहन से मशवरा क्यों लेते हो, वो जो मैं मशवरा देती हूँ उस पे एग्री होते हैं सारे, मेरी भाभियाँ भी और मेरे भाई भी, कोई हो ना हो, बस मेरे भाई जो है ना वो कहते हैं कि नहीं हमारी बहन ने जो मशवरा दिया ना वो सही दिया, ठीक है, क्योंकि मैं मशवरा देती सही हूँ, मैं वो वाली बहन डैन नहीं हूँ, मैं बहन अपने भाइयों का बहुत जो ना ख्याल रखती हूँ, डैन नहीं हूँ मैं, बहन हूँ उनकी, ठीक है, क्योंकि मम्मी बन चुड़ैल ना बन, मैंने थप्पड़ देना है, वो डायलॉग मारता चूड़िया फिल्म में। तो चलो जी इधर से मैं अभी कुछ जूस लेती हूँ, हमारे जूस आ गए। ऐसा मेरा कौन सा है, ये ऑरेंज, ये मेरा ऑरेंज, मैंने ऑरेंज लिया बगैर नमक के, आपने कौन सा लिया? मैंने स्ट्रॉबेरी। असल ने स्ट्रॉबेरी लिया है, तभी पियेंगे जूस, तो फिर जो अनंग ले रहे, दिखाओ इधर लेनी है, अभी मैं देख रहा हूँ कौन सी लूं, अभी देख रहा है कौन सी लूं। उस लेवल की नहीं, मेरी शॉप से लो ना, वहाँ से फिर अच्छी मिलती है, इधर तो ऐसी मिलेगी कुछ भी ना। मजे का खट्टा खट्टा, पकड़ो एक मिनट, और कौन सी है भाई? स्ट्रॉबेरी बहुत खूबसूरत है, मैंने कहा स्ट्रॉबेरी लेते हैं, ठीक है, तो 300 रुपए किलो मिल रही है, तो हम भी ले रहे हैं जी। यहाँ पे बहुत फ्रूट वाली है, देखें लाइन लगी हुई है, और भी फ्रूट देखती हूँ अभी। खरबूजा भी आया हुआ है, बहुत मजे का खरबूजा, अंकल कह रहा है मीठा, ये तो घर जाके पता चलेगा मीठा है कि फीका है, 100 रुपए किलो दे रहा है, मैंने कहा चलो 5 किलो ले लेते हैं। बेटा मुझे चेक कराना पसंद है तो मैं लूँगी, ये लाल लाल सेब डालना, वाइट ना डालना, लाल लाल डालना सेब जी, 230, तो इसने 200 रुपया लगा लिया, मैंने कहा चलो सेब भी ले लेते हैं, किन्नू मैं चेक करती हूँ पसंद आए तो लूँगी। किन्नू भी मैंने ले लिए, लेकिन पता मैंने कैसे लिए, मैंने शापर हाथ में पकड़ा और उसको मैंने कहा एक एक किन्नू ला के मुझे दे, मैं खुद शापर में डालूँगी, क्योंकि वो ऐसे वो आगे चल वो अमरूद वाले के पास है रास्त, क्योंकि इस तरह ना वो किन्नू अभी जो है ना तकरीबन सीजन ख़त्म होने वाला था, इसलिए वो पुराने डाल देते हैं, वो फिर सही नहीं होते, ख़राब निकलते। खैर केले वाले से पूछते हैं किस तरह दे रहे हो केले, दे दो ये कितना किलो, किलो पक्का डालना, कच्चा अमरूद ना डालना, पक्का पक्के पक्के कच्चे नहीं डालने, ये बड़े बड़े डालो ना अमरूद, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आज मैं फ्रूट की खरीदारी करती हूँ, वैसे तो मेरी अम्मी करती होती हैं, वो बाहर जाती हैं, हमारे घर के बाहर ही काफ़ी फ्रूट लगा होता है, वो वहाँ से ले आती हैं, आज मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, यहाँ से मैंने ले लिया सलाद का सामान, खीरा मूली तो सही नहीं मिली, टमाटर लिया है, लेमन ये वो सब कुछ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सलाद खाने को बोला है ना, तो अब जो है ना इंशाल्लाह शुरू स्टार्ट कर दिया मैंने, चलो सर। क्या कर रहे हो,
चलो टोकरियां लेके आओ, ये सारा फ्रूट और चीजें निकालें और फिर मैं आपको खरबूजे भी काट के देती हूँ, जाओ जल्दी करो। व्यूअर्स मैं पहुंच गई घर, भाई रे बहुत गर्मी, गाड़ी घर से थोड़ा सा पीछे रोक के मुझे अंदर आना पड़ा है, ठीक है। तबीयत भी सेट नहीं है, आते ही पंखा लगाया, एसी तो हमने अभी तक ऑन ही नहीं किया। टोकरियों में इधर रखो शापर, जो माल्टें इसमें निकाल के डालो। जीम जीम भी छोटे छोटे काम कर लेता है, ठीक है। ये माल्टों वाला शापर उठाओ, ये देखो जीम टोकरी लेके, आप ये उठाओ उसमें टोकरी में डालो। चलो तो जनाब अभी मैं व्लॉग का करूँगी यहाँ पे, एंड दुआ करना मेरी रिपोर्टें सही आएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।